तो यूपी से आ रहा है तेरा का प्रीलिम्स मेंस प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो इंजन का टॉपिक चल रहा है और प्रीलिम्स मेंस को इस बार मैंने कंबाइन कर दिया तेरा वाले में, क्योंकि सिर्फ एक सवाल प्रीलिम्स में आया था, सिर्फ एक सवाल प्रीलिम्स से आया था, ठीक है। तो जितना भी जैसे क्या कर रहा है कि जो क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को और डीप कैसे जाए, और अगर भविष्य में सवाल अगर बनता है और अगर ऑप्शन से सवाल बनता है तो ऑप्शन ऑप्शन को भी इतना डीप से पढ़ लो, या थीम जो रिपीट हो रही है उसको इतना डीप से पढ़ लो कि अगर वो थीम ही अगर रिपीट हो रहा है तो भी सवाल हमारा बन जाए, ठीक। तो पहला सवाल निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो वो राजा भोज है। तो राजा भोज के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे, परमार वंश से ही संबंधित थे। इनकी जो राजधानी थी धारानगरा थी, इनकी राजधानी धारानगरा थी, और उदयपुर प्रशस्ति से ये संबंधित थे। उदयपुर प्रशस्ति इनसे संबंधित थे, इनके बारे में उदयपुर प्रशस्ति लिखी गई है, क्योंकि परमार डायनेस्टी मोस्टली राजस्थान में कंसंट्रेटेड थी, और इन्होंने भोजपुर सिटी स्टैब्लिश की, भोजपुर राजस्थान वाला भोजपुर सिटी किसने बनाया? राजा भोज ने बनाया, ठीक। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2013 का मेन शुरू करते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण के संदर्भ में प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए? हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण के संदर्भ में प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए? महाधार से। महाधार कहाँ? प्रतापगढ़। महाधार कहाँ? प्रतापगढ़। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पन संस्कृति से जितने भी सवाल आ सकते हैं या आए हुए हैं वो हम लोग पेपर में आ चुका है, और हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी साइट थी, किस नदी पर थी, किसने इसको खोजा था, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। जैसे मंडी है, पर आजकल पीसीएस में है कि मंडी किस जिले में है, तो वो सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट, हड़प्पन संस्कृति की साइट जो यूपी के अंदर है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो सारा प्रीवियस ईयर पेपर में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का वीडियो खोल लो, उसमें सब मिल जाएगा। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण के संदर्भ में कहाँ प्राप्त हुए? तो महधा में प्राप्त हुए। तो आप ये भी सवाल आ सकते हैं, महधा किस जिले में? तो प्रतापगढ़ में है। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा नगर हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है या विभक्त है? धौलावीरा। तो हड़प्पी नगर जितने भी हैं, हड़प्पा संस्कृति संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं सब लोग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध था किससे? था तो ऋग्वेद से था। तो होता का काम क्या था? होता का काम ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण था, ऋग्वेद का मंत्रों का जो उच्चारण करता था वो होता था, होता, ठीक है। तो वे से संबंधित जितने भी सवाल हो सकते हैं पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वे से संबंधित जितने भी सवाल है सब डिस्कस कर चुके हैं। उपवेदा कौन सा, ब्राह्मण वेद कौन सा था, और वेद से संबंधित क्या क्या चीजें थी सब डिस्कस कर चुके हैं। चतुर्भुज संहिता हुई थी कनिष्क काल में, ये इजी सवाल है, लेकिन अगर सवाल थोड़ा ट्विस्ट करे, ये पूछे सेकेंड भुज संहिता किस समय कौन सा राजवंश था, कौन सी डायनेस्टी थी, या थर्ड भुज संहिता के समय कौन सा राजवंश था या कौन सी डायनेस्टी थी, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा सवाल, इसलिए हम लोग को दोनों चीज़ याद रखना है, कौन सा राजा था और कौन सा राजवंश था, मतलब कौन सी डायनेस्टी चली आ रही थी। तो फर्स्ट बहुत संगीति में अजातशत्रु थे, सेकंड में काला शोक ये तो रटा होता है लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, काला शोक, फिर अशोक, फिर कनिष्का। तो सबको याद है ट्रिपल के, कनिष्का सबसे लास्ट में थे, केफा कश्मीर, केफा कनिष्मा कनिष्का, केफा कुंडलवन एंड केफा कुषाण डायनेस्टी थी। तो यहाँ पे आप ट्रिपल के से याद कर सकते हो, ठीक है, जैसे सबका अपना प्रतिक्रिया है, एकदम रटा होना चाहिए सवाल, गलत नहीं होना चाहिए, बात खत्म। सेकेंड है काला अशोक, तो पहले काला फिर अशोक, तो ऐसे याद करो, पहले काला थे फिर अशोक थे, तो पहले काला अशोक फिर अशोक। तो अजातशत्रु किसके टाइम थे? हर्यक डायनेस्टी थे, ठीक है, अजातशत्रु हर्यक डायनेस्टी, ठीक है, काला अशोक शिशुनाग डायनेस्टी, अशोक मौर्य डायनेस्टी, ये सबको पता है अशोक मौर्य डायनेस्टी के थे, ठीक है। कनिष्का कुषाण के टाइम, कनिष्का किसके टाइम? कुषाण के टाइम, कनिष्का किसके टाइम? कुषाण के टाइम, कुषाण डायनेस्टी चल रही थी उस टाइम। तो हर्यक शिशुनाग और नंद, थोड़ा रिवाइज करा रहा है, हर एक शिशुनाग और नंद, नंद डायनेस्टी को खत्म करने के बाद मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, हरियंक शिशुनाग नंद जब खत्म हुआ तो मौर्य मौर्य डायनेस्टी आई, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में है, लेकिन नंद डायनेस्टी ने बौद्धिज्म को संरक्षण नहीं दिया था, इस वजह से उनके समय में कोई बहुत संगति बहुत हुई नहीं, ठीक है, लेकिन हरियक शिशुनाग को थी। तो हरियक इसको हमने ऐसे भी याद किया, फिर से हरियक शिशुनाग नंद, हरियक शिशुनाग थे, नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी खत्म करने के बाद मौर्य आए। तो इनके टाइम में, हरिंग के टाइम में, शिशुनाग के टाइम में, मौर्य के टाइम में, तीन बहुत संगति लगातार हुई, ठीक
ठीक है। फिर लास्ट में कनिष्का के टाइम हुई, और कनिष्का के टाइम में बहुत संगति हुई थी उस टाइम, हीनयान और महायान में, हीनयान और महायान में दो फाड़ हो गया था, दो विभाजन हो गया था, बुद्धिज्म दो पार्ट में बट गया था, दैट इज हीनयान महायान, हीनयान एंड महायान में बट गया था। ठीक, अगला सवाल है सिकंदर ने झेलम की तरफ पर किसे हराया था, सिकंदर ने झेलम की तरफ पर किसे हराया था। झेलम का नाम एक वितस्ता भी है, एंशियंट इंडिया में झेलम को वितस्ता भी कहते थे, झेलम को वितस्ता भी कहते थे, झेलम को वितस्ता भी कहते थे। ठीक है, सिकंदर ने झेलम की तरफ पर किसे हराया था, तो राजा पोरस को हराया था, ये बहुत फेमस है, राजा पोरस को हराया था 326 भी आ सकता है डेट, राजा पोरस को हराया था 326 में, और इसको बैटल हैबडीज भी बोलते हैं, बैटल हैबडीज भी बोलते हैं, ठीक है, 326 में लड़ा गया था। और ये मेगस्थनीस किसके राजदूत थे, राजदूत थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आए थे, इनके कोर्ट में आए थे। ठीक है, और इन्होंने बताया कि भारतीय समाज को 7 वर्ग में विभाजित किया गया था उस समय, 7 वर्गों में विभाजित किया गया था उस समय, कौन कौन सा वर्ग था, एक दार्शनिक था, दार्शनिक मतलब फिलोसफर, ठीक है, कृषक, पशुपालक, कृषक या पशुपालक तो एक जैसे हो गए, कारीगर, आर्टिस्ट, योद्धा, वॉरियर, निरीक्षक, इंस्पेक्टर और मंत्री, मिनिस्टर। ठीक है, तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक या मंत्री, अब सवाल ऐसे आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा बताओ कि इंडिया के हिसाब से भारतीय समाज में से कौन सा विभाजन नहीं है भारतीय समाज का, ऐसे आ सकता है सवाल, तो इसको ध्यान देना जरूरी है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, किस ग्रंथ को लघुवेद की संज्ञा दी गई है, इस ग्रंथ को लघुवेद की संज्ञा दी गई है, तो कुरल या पंचवेद, कुरल या पंचवेद तमिल भाषा में लिखी गई है, कुरल या पंचवेद तमिल भाषा में लिखी गई है, ये पूरी फिलोसफिकल बुक है। थोड़े दिन पहले मोदी जी ने यहाँ से एक श्लोक जो है अपनी स्पीच में बोला था, तो उसके बाद से काफी फेमस हो गया था। ठीक है, कुरल या पंचवेद तमिल भाषा में लिखी गई है, इसको लिखा है तिरुवल्लूर ने, तिरुवल्लूर ने इसको लिखा है। उसी तरह एक तमिल रामायण है, तमिल रामायण है, इसको राम अवतारम भी बोलते हैं, राम अवतारम भी बोलते हैं, तमिल रामायण या राम अवतारम भी बोलते हैं, और ये तमिल रामायण या राम अवतारम इसको लिखा है किसने, कम्बन ने लिखा है। अब सवाल अगला ये है कि कम्बन किसके शासनकाल में थे, ये प्रीवियस ईयर की वीडियो में, प्रीवियस एंशियंट की वीडियो में है। ठीक है, तो कम्बन किसके शासनकाल में थे, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसा आ सकता है सवाल। चोल शासकों के समय कौन वर्यम उधान प्रशासन का कार्य देखता था, वर्यम उधान प्रशासन का कार्य देखता था, चोल शासन और उससे संबंधित जितने भी फैक्ट थे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं के वीडियो में। तो चोल शासकों के समय में कौन वर्यम उधान प्रशासन का कार्य देखता था, तो टोट्टा वर्यम, टोट्टा वर्यम, टोट्टा वर्यम, 2013 का पेपर खत्म।